यूपी के संभल जिले में मामूली विवाद के चलते गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। पूरा मामला राजपूत थाने के महुआ हसनगंज का बताया जा रहा है। दरअसल खेत पर काम कर रहे किसान के तीन लोगों ने गेहूं के भूसे को रखने को लेकर विवाद हुआ और विवाद में किसान को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके बाद आनंद फानंद में पीड़ित को इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस फोर्स में मौके पर पहुंच गई और तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले में विधिक कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम महुआ हसनगंज से आज सुबह पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम मलखान सिंह यादव है, उम्र 35 वर्ष के करीब, इनको गांव के ही तीन अन्य व्यक्तियों के द्वारा भूसे को रखने के लेकर हुए विवाद में गोली मार दी गई है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो इनके परिजनों के द्वारा तब तक इनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा इलाज के दौरान इनकी मृत्यु होना बताया गया। पुलिस के द्वारा इनके परिजनों की तहरीर के आधार पर तीन लोगों को नामजद करते हुए धारा 302 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई है। तीनों व्यक्ति अभी मौके से फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें अन्य सभी पहलुओं की FSL और अन्य टीमों के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। गाँव में शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, मौके पर विधिक कार्रवाई पिछले। संभल से जनमत न्यूज के लिए राम ब्रेश की रिपोर्ट।